पैसे फोन पे करने या गूगल पे करने या कैश लेनी है? तो भाई आप फोन पे ही कर देना, मेरा नंबर लिख लो एक बार फोन फोन पे। तो भाई पैसे के लिए बोल रहा था कि मैंने आपका नंबर है भाई, मैं कर दूंगा भाई। अच्छा उसी पे कर दो भाई, अभी कर दो एक बार। चलो कर रहा हूँ भाई। तो भाई फोन पे कर रहे हैं पैसे, कैश तो मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा अब ये मेरे को घर पे। तो भाई मेरे पास अभी था भी नहीं, मैं आपको कल देता लाकर। नहीं अभी यार तो फोन में है मैं भाई, उधार नहीं कर सकता भाई, उधार नहीं कर सकता। स्वागत आज के हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो शाम के टाइम शूट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मेरे को टाइम नहीं मिला था। तो आज मेरा मन खुश भी है उदास भी है। उदास क्यों है और खुश क्यों है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने जो मेरी बाइक थी ना मॉडिफाई कराई हुई थी वो मैंने बेच दी है। एक तरफ से आप मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मन खुश है क्योंकि मेरे पास पैसे आ जाएंगे बरतने के लिए। एक तरफ से मेरा मन दुख है क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है, अब रील किससे बनाऊंगा, और मेरे को बाइक की बहुत ज़्यादा जरूरत थी बट मैंने बेच दी है। मैंने KTM बाइक बुक कर रखी है तो उन पैसे से मैं KTM बाइक ले आऊँगा, और वो बाइक तो मैंने बेच दी है। मैं आपको बता दूं कि मैंने कितने में बेची है वो बाइक, अभी भाई लेने आता ही होगा तो उससे मिलवा देंगे, उसी से पूछ लेना आप कितने में बेची है कितने में नहीं, मैं आपको पूछ के बता दूंगा। और उसको कैसे मेरी बाइक पसंद आई, कितने में वो तैयार हुआ बाइक के लेने में, लगा हुआ था कि आपकी बाइक ही मेरे को चाहिए, आपकी बाइक ही मेरे को चाहिए। मैंने कहा था कि मैं एक और बाइक ले ला दूंगा तेरे को अलग है, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को यही बाइक चाहिए। उसने देखा है मेरी बाइक मॉडिफाई की हुई है, हालांकि वो हमारे गाँव का ही है, आसपास का ही है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर का है। तो मैंने मेरी बाइक उसको दे दी है, तभी मिलते हैं उस भाई से। इस टाइम अपनी बाइक दिखा देता हूँ कि कैसी है, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे अपने पास कोई भी बाइक नहीं होगी, अपनी वाली बाइक नहीं होगी, अन्यथा और तो बाइक होगी। तो अभी लेने आता ही है, मैं एक बार दिखा देता हूँ बाइक। बेचने से पहले बाइक देख लीजिए, क्योंकि बाइक तो बेच चुके हैं, अब बाइक अभी लेने आ रहा होगा तो अपने पास तो बाइक तो है नहीं, जल्दी से हमको भी लानी पड़ेगी बाइक, क्योंकि बाइक के बिना सरेगा नहीं। तो लास्ट वीडियो है ये अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी बाइक की, आगे से इस बाइक की वीडियो नहीं डालूंगा ना इंस्टाग्राम पे आएंगी, तो अब भी देख सकते। फाइनली यार मैं आ गया हूँ बाइक लेके, तो अभी आता ही होगा वो, मेरे को बोला था कि वहाँ पे आना है तो मैं वहाँ पे आ चुका हूँ अभी। तो मतलब 10-15 मिनट का टाइम दिया था, मैंने कॉल भी की थी कि आया नहीं अभी तक, आ जाएगा। मैंने बाइक भी दिखा दी और मेरे पीछे बाइक खड़ी, यार बहुत ज़्यादा मन उदास है, क्योंकि यार मेरे को 2 साल बाइक ले, मतलब 2 साल हो गए मेरे को बाइक लेते हुए, और अभी तक मैंने 18,000 ही बाइक चलाई, क्योंकि मैं वीडियो ही बनाता था बस, और अन्यथा काम के लिए मैंने कभी भी नहीं लेके गया ये वाली बाइक। मेरे पास दूसरी बाइक थी वही लेके जाता था, क्योंकि ये बाइक लेके जाता ना ये पूरी मोटिवेशन थी तो पुलिस वाले चालान काट देते। मैं कहीं पर भी नहीं लेके गया इसको, सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए लेके जाता था। तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी होगा, मतलब उसको मॉडिफाई की हुई बाइक मिल गई, बाइक ले रहा उसको बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि उसको मॉडिफाई बाइक की हुई मिल गई। मैंने 10 से 15,000 रुपये खर्चा किया हुआ बाइक को, आपको पता भी होगा मैंने काफ़ी व्लॉग भी डाले हैं यूट्यूब पे, मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ करा के मतलब कुछ ना कुछ कराता रहता हूँ। तो बाइक पूरी एकदम से नया लुक दे रही यार, जब बाज़ार में लेके जाता हूँ तो बंदे मुड़ के देखते हैं मतलब बाइक की हुई है अच्छे से तैयार, तो अगला खुश हो गया होगा मतलब वो उसको बाइक मॉडिफाई की हुई मिलेगी। और मेरे को अगली बाइक लेके आऊँगा, मतलब KTM का ही प्लान है, मैंने KTM बुक भी कर रखी, तो मैं उसको मॉडिफाई कराऊंगा, उससे मोटो व्लॉग करूँगी, इसी चैनल पे आपको मोटो व्लॉग देखने के लिए मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे उसी बाइक से। तो मतलब आता ही होगा 10-15 मिनट में, उसका रिएक्शन दिखाता हूँ मैं आपको कैसा कितना खुश है वो। फाइनली भाई आ चुका है, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो भाई भाई तो भाई की एक बार स्माइल देख लो आप, कितनी ज़्यादा स्माइल है भाई के चेहरे पर। बाइक मिल गई है भाई मुझे, नवीन भाई की बाइक मिल गई है भाई, काफ़ी मॉडिफाई है तो मैं खुश हूँ भाई। ये बाइक देने के लिए तैयार तो नहीं था, फिर मैंने बहुत कोशिश करी भाई मनाने के लिए, फिर ये मानना भाई कि हाँ मैं अच्छा, दे दूंगा। अच्छा भाई एक बात बताओ मेरे को, बताओ भाई क्या आपने मेरी बाइक कहाँ पे देखी थी? आपकी बाइक भाई मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी और यूट्यूब पर भी देखी थी, तो मैंने ये पसंद आ गई भाई। ऐसी बाइक हमारे गाँव में नहीं है और आसपास के गाँव में कोई सा भी ऐसा गाँव नहीं है कि ऐसी बाइक मुझे मिली हो, तो मैंने ये बहुत ही पसंद आ गई थी, तो मैं आपसे कांटेक्ट भी कराया और मेल भाई अपना कांटेक्ट कहाँ पे, अपना मेरा कांटेक्ट इसके साथ इंस्टाग्राम पे होता है, इसका मैसेज आया था, मैसेज कराया था भाई मैंने आपके पास, तो इसने भाई ने नंबर दे दिया कि ये मेरा नंबर है तो कर लो बात। फिर तो मैंने पहले मना भी किया था कि भाई मैं नहीं बेचूंगा, इसने मेरे साथ बहुत ज्यादा धक्का किया, बहुत ज्यादा धक्का कराया भाई, ये भाई मानना है नहीं मानना है नहीं, फिर भाई बड़ी मुश्किल से मनाया, इसको पास आया भाई 2-3 बार आया भी, फिर भी ये घर वाले भी बोले भाई नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, फिर भाई ये मुश्किल से बहुत मानने भाई, फिर मिला ठीक है भाई मैं दे दूंगा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, ये भाई की बाइक मुझे मिलेगी आज। भाई मैंने बाइक कितने में बेची आपको ये और बता दो। आपने भाई 55,000 रुपये में बेची है भाई, पहले तो आप 75,000 रुपये मांग रहे थे, फिर मैं बोला नहीं भाई ऐसे तो नहीं बात बनेगी कम करो भाई, फिर ले दे के भाई 55,000 रुपये में कर दिया फिक्स भाई, तो आप देख सकते हो बाइक को भी
पहले घर वाले 75,000 में मेरे को बोल रहे थे कि 75,000 से 1 रुपया कम नहीं देनी। तो इन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया यार, इतने पैसे नहीं है कि गरीब ही बंदे हैं, मतलब गरीब ही है यार, इतने ज़्यादा वो नहीं है। तो मैंने फाइनली 55,000 रुपये में बाइक डन कर दी, बाइक को दे दी है। तो भाई तो बहुत ज़्यादा खुश है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि यार अभी बाइक नहीं है। पीछे आपने देखी भी होगी इंस्टाग्राम पर रील भी थी बाइक की, जो मेरी बाइक के साथ रील थी वो इन्हीं की थी। तो भैया फिर पैसे आप कैसे करोगे? तो भाई आप बताओ भाई, पैसे फोन पे करने या गूगल पे करने या कैश लेनी है? तो भैया आप फोन पे ही कर देना, मेरा नंबर लिख लो एक बार। फोन पे तो भाई पैसे के लिए बोल रहा था कि मैंने आपका नंबर है भाई, मैं कर दूंगा भाई। अच्छा उसी पे कर दो भाई, अभी कर दो एक बार। चलो कर रहा हूँ भाई। तो भाई फोन पे कर रहे हैं पैसे, कैश तो मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा अब ये मेरे को। तो भाई मेरे पास अभी था भी नहीं, मैं आपको कल देता लाकर। नहीं यार फोन में मैं उधार नहीं कर सकता भाई, उधार नहीं कर सकता भाई, ये तो मान गया भाई, उधार तो नहीं कर सकते। तो फाइनली यार मैंने अभी आके देखा कि घर पे बाइक जो थी यहाँ पे घर पे ही खड़ी है, और मैं तो भाई बाइक को बेच के आ चुका हूँ। आपने देखा भी होगा मैंने पैसे भी ले लिए अकाउंट में, पैसे भी आ चुके, और मैंने बाइक को चाबी भी पकड़ा दी। पता नहीं कैसे अपने आप घर पे आ गया यार, कोई जादू है बाइक में यार, मेरे को तो लग रहा कोई जादू है। जैसे ओम मन्ना की बाइक जो बुलेट थी वो अपने आप अपने स्थान पर आ गई थी, वैसे ही मेरी बाइक अपने स्थान पर आ गई यार, मेरे को पता ही नहीं चला कैसा गया यार। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ यार। अरे भाई मजाक कर रहे थे यार, मजाक कर रहे थे। तो भाई बैंक वीडियो थी भाई हमारी। हाँ तो भाई मजाक कर रहे थे, हमने कोई बाइक नहीं बेची है यार, दोनों दोस्त हैं, ये मेरा दोस्त है और मैंने इसको साथ ही रहते हैं जी यार, मैं टाइम साथ रहते हैं। मैंने इसको कहा कि यार एक फ्रैंक वीडियो बनाते हैं बाइक की यूट्यूब पे, तो यार मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कोई बाइक नहीं बेची है। कोई भी भाई ये सोच रहा हो कि बाइक बेच दिया, बाइक बिल्कुल भी नहीं बेची यार, इस बाइक को मैं कभी भी नहीं बेच सकता यार, इस बाइक से मेरे को इतना लगाव है आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई आप बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आप कमेंट करके जरूर बताना भाई। यार वीडियो पसंद आई ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यार, अगर हमसे हमसे जैसी भी एडिटिंग वीडियो अच्छी या बुरी जैसी भी बनती है यार, हम कोशिश करें अच्छी बनाने की यार। आगे आगे आपको मोटो व्लॉग मिलेंगे और अच्छे से ही एडिट करेंगे, अच्छे व्लॉग मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट भी।